लाश तक आई से आज भी हाथ ने खुदे लिए सब
कमाल को चाहता है, फजीलतों को चाहता है। और कमाल क्या है, देखो मैं दो मिसालें आपको दूंगी। कायनात में जनाब आदम से लेकर अब तक न जाने कितने दीन हैं। आप बहुत सुकून से सुनिएगा, इंशाल्लाह आप महसूस होंगे। न जाने कितने दीन हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा दीन लाकर दिखाइए कि जिस दीन ने इस्लाम से ज्यादा खातून को इज्जत दी। कायनात में कोई दीन ना मिलेगा कि जिसने खातून को उतनी इज्जत दी कि जितनी इस्लाम ने दी। कहा इतनी इज्जत मिली कि उसको इतना तकद्दस और मुकद्दस बनाया कि उसके तकद्दस और तकदीसियत को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ने कहा कि देखो खातून मेरे नजदीक इतनी मोहतबर है, इतनी मोहतरम है कि हम इसको पर्दे में रखेंगे, हम इसको पर्दे में रखेंगे। अल्लाह ने कहा आप गौर फरमाइएगा, इस्लाम के ऊपर आज सबसे बड़ा एतराज जो है वो यही है कि इस्लाम ने औरतों को महदूद कर दिया, पर्दे में लाकर औरतों को महदूद कर दिया। अब वो औरतें पर्दे में हैं, पर्दे में रहकर कुछ कर नहीं सकती। और कायनात ने इस्लाम के इस कानून को एहानत का सबब बनाया कि औरत को अल्लाह ने इनके यहाँ इनके दीन ने औरत को पर्दे में रखा, ये औरत की एहानत है। मैं कहूँगा आप समझे ही नहीं, औरत के लिए पर्दा औरत की एहानत नहीं है बल्कि उसकी अजमत की दलील है, बल्कि उसकी अजमत की दलील है। कैसे अलीदा निगरान, ये आपके सामने की बात है। आपके घरों में न जाने कितनी चीजें हैं, लेकिन जिस चीज को आपने तकद्दस दिया उसी को पर्दा डाला। आपके घर में कितने कमरे हैं, लेकिन आपने पर्दा सिर्फ इमामबाड़े पर डाला। अल्लाह ने कायनात में न जाने कितने घर देखे, लेकिन एक घर को पर्दे में रखा। आपके घर में न जाने कितनी किताबें हैं जो इधर उधर पड़ी रहती हैं, लेकिन आपने जुदान के कुरान को रखा। तो इसका मतलब यह है कि जो चीज मुकद्दस होती है वो पर्दे के अंदर होती है। अल्लाह ने दोनों के लिए पर्दा रखा। अल्लाह ने मर्दों के लिए दाढ़ी की सूरत में पर्दा रखा था, लेकिन क्या किया जाए कि मर्द हजरात अपने दाढ़ी के वजन को बर्दाश्त ना कर सके, तो बिचारी औरतें पर्दे के बाद उनको क्या बर्दाश्त करते हैं। एक सवाल पढ़े तो अजीजाने गिरामी, कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत जो किसी चीज को मिली, अगर आप देखना चाहें तो इस्लाम ने सबसे ज्यादा औरत को इज्जत दी। इस्लाम से पहले जो तमाम अदियान हैं, चाहे आप रोम की तरफ नजर कर लें, चाहे आप किसी सकाफत की तरफ नजर कर लें, किसी ने खातून को सिर्फ अपने लज्जात के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने खातून को एक दूसरे के साथ बदलने में अपनी इज्जत समझी। लेकिन जब इस्लाम आया, और अरब में भी आप देख लें कि लोगों ने खातून को अपने लिए बायसे नंगवार समझा। कोई किसी के यहाँ अगर खातून की विलादत हुई तो वो इतना शर्मिंदा है कि ले जाकर अपने इस बच्ची को किसी सहरा में दफन किया दे रहा है, किसी सहरा में दफन किया दे रहा है। किसी ने खातून को कनीज बना कर रखा, किसी ने खातून को वो इज्जत न दी कि जो खातून को मिलना चाहिए थी। लेकिन जब हमने इस्लाम पे नजर की तो एक मंजर ऐसा देखा कि एक खातून है कि जब बारगाह रिसालत में आई तो रसूल एहतराम के लिए खड़े हो गए। देखो ऐसे एहतराम किया जाता है खातून का। खातून खाली हुजूर लज्जात के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ने खातून क्या एक मर्तबा रखा, एक अजमत रखी। और अजीजाने गिरामी, अजमत यहाँ तक पहुँचाई खुदा ने कि कहा देखो खातून खाली खातून नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में हर पहलू में किसी ना किसी सूरत में वो तुम्हारे लिए रहमत है। हर सूरत में किसी ना किसी सूरत में तुम्हारे लिए रहमत है। अगर बेटी बनेगी तो बाप के लिए रहमत होगी, अगर दौजा बनेगी तो शौहर के लिए रहमत होगी, अगर माँ बन जाएगी तो बेटों के लिए रहमत होगी। क्या कहना जनाबे सैयदा का, ये तो आम खातूने हैं,
कि जो अपने बाप के लिए रहमत हो जाती है, ये तो आम खातून है जो अपने जौजा के लिए रहमत हो जाती है, ये तो आम खातून है जो अपने बच्चों के लिए रहमत हो जाती है। सलाम कीजिए जनाबे जहरा की अजमतों को कि जनाबे जहरा उनके लिए रहमत बन गई जो रहमतुल लिलआलमीन थे। वालिदैन को जितना मर्तबा इस्लाम ने दिया किसी और ने ना दिया। यहां तक कुरान ने ऐलान कर दिया कि देखो अगर ये कमजोर हो जाए बुढ़ापे में तो इनको झिड़कना मत। यहां तक ऐलान कर दिया कि देखो अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना करना। अभी मैंने अशरे में इसके तहत गुफ्तगू की थी कि अल्लाह ने लफ्ज उफ इस्तेमाल किया। किसी ने पूछा मालूम से कि लफ्ज उफ भी क्यों इस्तेमाल किया, तो जवाब दिया कि अगर अपनी नाराजगी दिखाने के लिए इस उफ लफ्ज से छोटा भी कोई लफ्ज होता तो अल्लाह उसे इस्तेमाल करता। का सबसे छोटा लफ्ज भी अपने वालिदैन के सामने तुम नहीं कह सकते। अजमत यह है अज़ीज़ाने गिरामी के साहिब इल्मुल शराए ने लिखा कि जब जनाबे याकूब नबी है अल्लाह के, जनाबे यूसुफ अल्लाह के नबी हैं, दोनों नबी हैं, जब जनाबे याकूब ने फिरार का वो पूरा फासला खत्म कर लिया, जब जनाबे यूसुफ से मुलाकात की नौबत आ गई तो एक मरतबा याकूब पैदल पैदल चले। जब जनाबे यूसुफ के यहाँ पहुंचे तो जनाबे यूसुफ के जहन में आया कि मेरा बाप आ रहा है, मुझे इस जाहे जलाल के साथ आता हुआ देखेगा तो खुश होगा तो चलो सवारी पर बैठ कर चले। अल्लाह ने गिरामी जनाबे यूसुफ सवारी पर चले, जनाबे याकूब पैदल चले। अगर जनाबे यूसुफ याकूब के सामने आए गले तो मिल गए, लेकिन जिब्रील आ गए। जिब्रील ने आने के बाद कहा कि यूसुफ तुमने याकूब का एहतराम न किया, तुमने याकूब का एहतराम न किया। अल्लाह ने गिरामी नतीजा क्या हुआ इतना एहतराम करने का, एक मरतबा जिब्रील ने कहा यूसुफ अपने हाथ फैलाए, यूसुफ ने हाथ फैलाया, एक नूर निकला, आसमान की जानिब चला गया। यूसुफ ने पूछा कि ये क्या था, कहा ये नूर नबूवत था। अरे यूसुफ देखो तुमने याकूब का एहतराम न किया, अब कयामत तक तुम्हारी नस्ल से कोई नबी न होगा, कोई नबी न होगा। अजीज जनाब यूसुफ है नबी, एहतराम की नियत से बेहतरामी की नियत से उन्होंने ये नहीं किया था कि ला मैं अपने वालिद के सामने सवारी पर जाऊं, बल्कि उन्होंने तो ये सोचा था कि मेरे वालिदे मोहतरम मुझे इस जाहो हजम के साथ देखेंगे तो खुश होंगे। लेकिन अल्लाह को ये अदा भी ना पसंद आई कि अपने वालिद के सामने इस तरह से भी ना जाओ। तो जब तुम जैसे नबी के उल्ट से बेहतरामी वालिद के सबब नबूवत सर हो सकती है, तो आम आदमी अगर अपने वालिद से बेहतरामी करे तो नतीजा क्या होगा, अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने ग्रामीण ये दो मिसालें हैं। कायनात का सबसे बेहतर दीन इस्लाम है, इससे बेहतर कोई दीन नहीं है। अच्छा एक सवाल पढ़े मोहम्मद, दीन क्या है? क्या हर वक्त इस्लाम में दाखिल हो गया इंसान तो अब ये ना सोचे कि दीन पर अमल करना बहुत सख्त है। आज ये चीज बना दी गई है कायनात में कि जो मुसलमान है वो भी इस बात की रट लगाए रहता है कि हम किस तरह से उन लोगों के जैसे हो जाएं, किस तरह से नबी के जैसे हो जाएं जैसे उन्होंने इबादत की। आपने किसने कहा कि आप उनके जैसे हो जाएं? कम से कम इतनी तो कोशिश करिए कि उनके नक्शे कदम पर चल सके, कम से कम इतनी तो कोशिश करिए। अजीजो आप पूरी कायनात में ये शोर है कि किस तरह से हम उनकी तरह इबादतें करें, किस तरह से उनकी तरह इबादतें करें। लेकिन अजीजा ने कहा कि जहाँ पर किसी ने कहा कि जन्नत में जाना है, हाँ जाएंगे क्यों नहीं, नबी को मानते हैं वो ले जाएंगे, किस तरह से मानते हैं उनकी बात पर अमल करते नहीं। अजीजा ने कहा कि अपने दीन है क्या? जनाब रसूल अकरम एक मरतबा एक जंग के लिए जा रहे हैं, एक कदम घोड़े की रकाब में रखा, चाहते हैं कि दूसरा कदम घोड़े की रकाब में रखकर सवार हो जाए और जंग के लिए चले जाए। एक शख्स आया
आने के बाद एक मर्तबा नबी से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ नबी अल्लाह अखबिरनी अनि दीने कुल्ले, ऐ अल्लाह के नबी मुझे इसी वक्त पूरा का पूरा दीन समझा दिए। अब दीन कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि दो लम्हों में नबी समझा दे। इतना बड़ा निसाब दीन का नमाज से लेकर कयामत तक समझाना है, दो जुमलों में नबी समझाए कैसे। अल्लाह ने ग्रामी जब उसने ये कहा कि मुझे पूरा का पूरा दीन समझाइए, अब अगर नबी समझाने पे आ जाए तो जंग को मुलतवी करना पड़े, और अगर ना समझाए तो मकसद बेहतर फौत हो जाए। अल्लाह ने ग्रामी लोगों ने भी कहा है नबी अल्लाह चलिए बाद में समझा लीजिएगा। एक मरतबा नबी ने कहा देखो इसे टोको नहीं, इसी काम के लिए तो मैं भेजा गया हूँ, यही तो मेरा काम है। उसने कहा सवाल क्या है? उसने कहा अहबिब ने अली दीन कुल्ले कि मुझे पूरा का पूरा दीन अभी समझाइए। नबी ने कहा कि तुम्हें पूरा का पूरा दीन सुनना समझना है तो सुनो, पूरा का पूरा दीन बस इन दो जुमलों में है कि अत्ताअतु लिल खालिक वश्शफ़क़तु अलल मख़लूक़, अल्लाह की इताअत करते रहो मखलूकात पे मेहरबानी करते रहो। पूरा का पूरा दीन इसी में सिमट गया है। इसका मतलब यह है कि जो शख्स भी दीन का मुल्तजिम है, अल्लाह के एहकाम का मुल्तजिम है, और एहकाम इलाहिया के साथ साथ मखलूकात खुदा पर मेहरबान है। अब मखलूकात खुदा पर मेहरबान होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान शक्लें देख देख के मेहरबान हो कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम, नहीं। अल्लाह का वसी, नबी का वसी, उसने हमें बताया कि देखो कभी इंसानों में तफरका न करना। जब जनाबे मालिक अश्तर को गवर्नर बनाकर भेजा है तो उसने यही हिदायत की थी कि देखो लोगों की दो किस्में हैं, इम्मा अखुल्ला का फिद्दीन कि या तो वो तुम्हारा दीनी भाई है या तुम्हारा खल्क में नजीर है। इसका मतलब अली बता रहे हैं कि देखो मेहरबानी करने की जब बारी आए तो शक्लें न देखना कि शक्ल अच्छी है या खराब है। अगर मोहताज है और तुम सच्चे मुसलमान हो तो मदद करना वाजिब है। अब अदना ने गिरामी पूरा का पूरा दीन इन दो जुमलों में चिपटा हुआ है कि अल्लाह की इताअत की जाए और मखलूकात पे मेहरबानी की जाए। अदना ने गिरामी ये फलसफा आप अपने जहनों में रखिएगा। अब अगर कोई शख्स ऐसा है कि अल्लाह की हर अमर में इताअत करता है और मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक के ऊपर मेहरबान है, अब अगर किसी मजबूरी के सबब वो अपनी जबान पर कलमा न जारी करे तो अगर आप मुसलमानों से पूछे ऐसा शख्स मुसलमान है या नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे हाँ हाँ ऐसा शख्स मुसलमान है, तमाम अहकाम इलाहिया पर अमल कर रहा है, मखलूकात पर मेहरबान है। अच्छा मैंने कहा ऐसा कोई शख्स है कि जो दिन रात चीख चीख कर कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन नमाज का भी इनकार, रोजे का भी इनकार, हज का भी इनकार, मखलूक इलाही की रहमत से उनके ऊपर मेहरबानी करने से दूर। ऐ मुसलमानों ये बताओ कि ऐसा शख्स मुसलमान है? तो हर एक कहेगा नहीं नहीं, ऐसे शख्स को मुसलमान न कहना। अल्लाह ग्रामी यहाँ पर तो मुसलमानों को ये फलसफा समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने अबू तालिब का नाम लिया है, तो इससे पहले तो जो अंबिया थे
और यदि दीन थे तो क्या वो नाहक थे? परिजन ग्रामी, ये आपकी समझ का खेल है। अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक दीन है। दीन मोहम्मद दीन इब्राहिम से अलग नहीं है, दीन रसूल अकरम दीन आदम से अलग नहीं है। आदम भी वही दीन लेकर आए थे जिस दीन की तबलीग नबी ने की। हाँ, दीन एक था, शरीयतें अलग अलग थी, एहकामात अलग अलग थे। दीन वही था कि जिस दीन के कद्र की बुनियाद जनाबे आदम ने डाली थी। दीन वही है कि जिसके अहाता जनाबे नूह ने किया था। दीन वही है कि जिसकी दीवारें इब्राहिम और इस्माइल ने बुलंद की थी। दीन वही है कि जिसकी दीवारों को तराशा जनाबे मूसा ने था। दीन वही है कि जिसको बुलंदी पर जाके ईसा ने छत डाली थी। दीन में बस मरम्मत का काम रह गया तो अल्लाह ने एक ऐसे बंदे को भेजा और कहा हम ऐसा मेमार भेज रहे हैं कि जो इस दीन के महल को इस तरह से सवारेगा कि इसमें कोई कमी न रहने देगा। इस दीन के महल में अखलाक के कुशादा दालान बनाएगा। इस दीन के महल में जूलो सका की बहती हुई नहरें होगी। इस दीन के अंदर कलम के दरिया होंगे। जब पूरा कसरे दीन बन जाएगा तो एक दरवाजा ऐसा आलीशान लगाएगा कि आने वाला दरवाजे को देखकर असले घर का नारा लगा ले। ऐसा मजबूत दीन बनाएगा, ऐसा दीन होगा कि जिसको कोई जुल्म कोई नारे नमरूदी जला न सकेगी। और वो बंदे खुदा अपने चाहने वालों से चीख चीख कर कहेगा कि देखो जिस तरह का घर मैंने बनाकर दिखाया है तुम्हें, कोशिश करो कि इस तरह का घर बनाओ। अगर इस तरह का नहीं बना सकते तो कम से कम इस तरह का बनाने की कोशिश करो। लेकिन देखो, जुमला कह रहा हूँ, लेकिन देखो जब घर बनाने लगना तो तरह बुनियाद पे धूल न रखना। आपने घर बनाया, मैंने घर बनाया, जब घर बन गया बड़ा खूबसूरत घर, आलीशान घर, न जाने कितना पैसा लगा दिया उस घर में। आदि साहब को मैंने बुलाया, आदि साहब आइए मेरे घर तशरीफ लाइए, आपको अपना घर दिखाए, कितना आलीशान घर बनाया। आदि साहब घर में दाखिल हुआ, शानो शौकत देखी घर की, एकदम सजदा खड़े हो गए। मौलाना बड़ा पैसा लगा दिया, गुंबद कहाँ से मंगा लिए, ये बेड कहाँ से मंगा लिया, ये कालीने इतनी महंगी महंगी कहाँ से मंगा ली। मैं भी दिल ही दिल में खुश हो रहा हूँ कि हाँ मेहनत वसूल हो गई, हाँ मेहनत वसूल हो गई। लेकिन एक आंधी चली, जरा सी आंधी का चलना था कि घर हिलने लगा, घर हिलने लगा। अभी तक जो आदिल साहब मेरे साथ तारीफ कर रहे थे, मैं भी घर के बाहर भागा, आदिल साहब भी भागे। अरे मौलाना ये बताइए, इतना महंगा घर बनाया फिर भी ये हिल क्यों रहा? मैंने हाथों को थोड़ा, आदिल साहब मैंने पैसा तो बहुत लगाया लेकिन बुनियाद डालना भूल गया। कहा अजीब बेवकूफ है, इतना महंगा घर और बुनियाद गायब। अभी तो यही मामला इस्लाम के घर का है। नमाजें पढ़ी, नमाजों के झूमर लगाए, रोजा रखा, जहन्नम की आग से बचने के लिए दीवार बनाई, हज्जो जकात की कालीन बनाई, लेकिन क्या बुनियाद भी रखी? क्या बुनियाद है क्या? रसूल ने पूछा, या नबी अल्लाह, ये इस्लाम के घर की बुनियाद क्या है? रसूल ने आवाज दी, अल इस्लाम और यानून, इस्लाम रहना है उसका लिबास तकवा, उसका लिबास तकवा। वले कुल्ले शहीद आजादून, जो आजादुल इस्लाम है मोहब्बत और अहले बैत, हर शय की एक बुनियाद है और इस्लाम के घर की बुनियाद मोहब्बत है अहले बैत। Yeah.
रोजे पढ़ लीजिए, चाहे जितने रोजे रख लीजिए, ये आपका बनाया हुआ बनावटी इस्लामी घर बुनियाद के बगैर जहन्नम की आग के आगे टिक नहीं सकता है। आदिलाने गिरामी, ये है इस्लाम, और इस्लाम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें तो रसूल ने बताने, अगर इसको किसी ने समझ लिया तो सीधा दीन समझ में आ गया। लेकिन असल इस्लाम जो है वो मोहब्बत नबी और मोहब्बत अहले बैत नबी, इसके अलावा दीन में कुछ भी नहीं है। इसलिए कि अगर आप मुझे हदीस सुनी होगी कि अली होगा तकवा व ईमान, अली आपकी मोहब्बत तकवा व ईमान है, सुनकर खुश तो बहुत हुए होंगे लेकिन कभी मतलब समझने की कोशिश नहीं होगी। क्या अली की मोहब्बत तकवा व ईमान है? या इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जो अली से मोहब्बत करता है वो मुत्तकी और मोमिन है। अली से मोहब्बत करना और तकवा और परहेजदारी, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। अब अगर किसी के अंदर ये दो चीजें ना पाई जाए, या अली से मोहब्बत पाई जा रही है या सिर्फ तकवा और ईमान पाया जा रहा है, तो ये दोनों चीजें बेकार है। शर्त ये है कि दोनों पाई जाए और एक ही इंसान में पाई जाए। सलावत पढ़ो मोहम्मद, तो मोहब्बत है आज अल्लाह ने गिरामी मैंने 6 या 7 हदीसें जो निकाली है, और वो मैं चाहता हूँ कि बगैर किसी तमीज के लिए, कि अगर तमीज बुझाऊंगा तो वक्त आपका ज़्यादा चला जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि आप तो वक्त इससे ज़्यादा लूँ। 6 या 7 हदीसें हैं जो मैंने निकाली, और ये कोई इसमें से एक भी हदीस मैंने अपनी किताब से नहीं, या इसको साहिब मौजूद तकरीर ने लिखा है, या जनाब सिद्दीकी ने लिखा है। क्या पहली हदीस मोहब्बत अहले बैत असास है? पहली हदीस रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, अद्दबू औलादकुम अला हना, अपनी औलाद को 3 चीज़ों के जरिए से तरबियत दो। अपनी किताब में लिखा साहिब मौजूद कभी नहीं लिखा, अद्दबू औलादकुम अला हना, अपनी औलाद को 3 चीज़ों के जरिए से तरबियत दो। अदा हुब्बे नबी को, अपने नबी के मोहब्बत के जरिए से तरबियत दो, वह अला हुब्बे अहले बैत नबी को, और अपने नबी के अहले बैत के जरिए से उन्हें तरबियत दो। वाला तिलावतिल कुरान, और अपनी औलाद को तरबियत दो तिलावते कुरान के जरिए से। तरतीब मुलाहिज़ा फरमाया दीनों, पहले ये नहीं कहा कि कुरान सिखाओ, पहले ये कहा कि मोहब्बत उनके दिलों में डालो, मोहब्बत के साथ कुरान पढ़ाओ। इसलिए कि जब मोहब्बत के साथ कुरान पढ़ेगा तो इसको नज़े पे कुरान पढ़ना समझ में आएगा। अगर मोहब्बत के बगैर कुरान पढ़ेगा तो नबी के सामने कहेगा कि हमें किताब काफी है। दूसरी हदीस नसाई ने लिखी, फरमाते हैं कि अन अभी रबिया قال رسول الله والله لا يدخل قلب امرئ مسلم ایمان حتى يحبب لله ولا كره। نسائی کہہ رہے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم کسی انسان کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی محبت اللہ سے محبت نہ کرے اور نبی سے محبت نہ کرے اور قرابت نبی سے محبت۔ तीसरी हदीस बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, एक सलावत पढ़े मोहम्मद। सबसे मुश्किल मरहला इस कायनात में इंसान के लिए क्या है, तो हर इंसान अगर गौर करे तो वो ये कहेगा कि सबसे मुश्किल मरहला इंसान के लिए जो इस दुनिया में शुरू हो जाता है वो है इंतजार का मरहला। उसके बाद मशाकिलें बढ़ती जाती हैं, मौत का मरहला, फिर हज का मरहला, फिर हज का मरहला, फिर किताब, और फिर हिसाब, फिर मीज़ान। अज़ीज़ाने गिरामी, हर साहिब अपनी ये कहता है कि सच्चा दोस्त वो होता है कि जो खुशी में काम आए ना आए, मुसीबत में ज़रूर काम आए। अब ये हदीस सुनिएगा, रसूल ने इरशाद फरमाया, हुब्बी व हुब्बु अहले बैती नाफ़िउन फ़ी सब'अति मवादिना अहवालहुन्ना अज़ीमा, मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत 7 मौकों पर काम आने वाली है, और 7 के 7 खतरनाक मौके, 7 के 7 खतरनाक मौके। पहला मौका, इन
नल वफा। सबसे पहली जगह जो मोहब्बत अहले बैत काम आएगी वो वफात के वक्त काम आएगी। सबसे मुश्किल मरहला, अल्लाह ने ग्रामी न जाने कितनी हदीसें आप सुनते रहते हैं कि मौलाए कायनात तशरीफ लाएंगे, जब इंसान का वक्त इंतजार होगा अल्लाह ने ग्रामी हर शख्स के पास मौलाए कायनात आएंगे, लेकिन उसी आने के सबब बाद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, बाद लोग बदल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। शायद उसकी वजह ये हो कि परेशान होने वाले वो हो जो ये सोचे कि जिनसे दुनिया में भागते रहे उन्होंने मौत तक मेरा पीछा ना छोड़ा। एक हदीस को मुझे पढ़ना थी, मैं वो हदीस पढ़ते और आपकी तहमतों को तमाम कर दूँ। एक हदीस बड़ी अजीब मुझे लगी, जब मैंने पढ़ा बड़ी देर तक सोचता रहा क्या मतलब क्या है इस हदीस का। क्यों रसूल ने इस तरह से कहा, नेसाई ने लिखी हदीस, साहिब मुझे भी कबीर ने लिखी, मुझे भी लिखी। रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्म रज़ुक मन अबदलनी व आला बैती कसरतल अमवाल वल अयाम। परवरदिगार जो भी मुझसे दुश्मनी करे और मेरे अहले बैत से दुश्मनी करे उसके माल में खूब बरकत दे, उसकी औलाद में खूब बरकत दे। बड़ी देर तक मैं सोचता रहा कि रसूल ये दुआ दे रहे हैं या बदुआ दे रहे हैं, समझ में नहीं आया कि माल में भी बरकत दे औलाद में भी बरकत दे। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, दो सतर नीचे पढ़ा के बहुत बड़ा मुतासिब अहले बैत का, लेकिन क्या करे, अल्लाह जब अहले बैत के फज़ाइल लिखवाने पर आता है तो दुश्मनों से भी लिखवा देता है। उसने ही पुलिस की शरह की, कहने लगा कि यहाँ पर कसरत औलाद रसूल ने इसलिए कहा है कि दुश्मन अहले बैत के पास जितनी माल में कसरत होगी कयामत में उतनी देर तक उससे हिसाब दिया जाएगा, उतनी देर तक उससे हिसाब दिया जाएगा। और कसरत औलाद इसलिए कहा है कि असल में ये कसरत औलाद ना होगी, कसरत शयातीन होगी। दीन की असास ये है, और जब इंसान पूरा मुस्लिम हो जाता है इनकी मोहब्बत के बाद, उसी इंसान के लिए अगर मैं बुखारी साहब की उस हदीस को मान लूं कि सबाबुल मुस्लिम कुफ्रुन व क़िताल सबाबुल मुस्लिम कुतुबुन व क़िताल कुफ्रुन, के मुस्लिम को गाली देना हुकूक है, फिस्क है, और उसको कत्ल करना कुफ्र है। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे मुस्लिम की बात हो रही है कि जिसके इस्लामी घर की बुनियाद मोहब्बत अहले बैत है। फख्र राज़ी ने इस हदीस की शरह में एक वाकया लिखा, और वो वाकया बस आखिरी बात पर, वो वाकया ये है कि खालिद इब्ने वलीद एक मर्तबा मौलाए कायनात से कहता है कि ऐ अली, मेरा दिल चाहता है कि आपसे मैं कुश्ती लड़ूं। फख्र राज़ी ने लिखा कि मौला, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे कुश्ती लड़ूं। मौलाए कायनात ने कुश्ती लड़ने से मना कर दिया। अब खुद ही ने शरा की कि इसकी दो वजह हो सकती हैं कि अली ने खालिद से कुश्ती लड़ने से क्यों मना किया। तो फरमाते हैं, पहली वजह यह थी कि जब पहले मौलाए कायनात एक मर्तबा खालिद इब्ने वलीद से कुश्ती लड़ चुके थे और इसको हरा चुके थे, दोबारा मौला ने इस वजह से कुश्ती नहीं लड़ी कि कहीं खालिद की इहानत ना हो जाए। मैं कहूँगा आपकी इस बात से इतना तो पता चला कि कायनात में अगर किसी को इज्जत मिलती है तो अली के तुफैल में मिलती है, अली के तुफैल में मिलती है। दूसरी वजह उन्होंने बयान की कि शायद अली ने इस वजह से कुश्ती न लड़ी कि जब पहले कुश्ती लड़ी थी तो खालिद काफिर था, अब मुसलमान हो चुका था। मैं कहूँगा फख्र राज़ी बड़ी अच्छी बात कही, कहने लगे क्या, हमने कहा आप ही ने तो कहा है कि खालिद से पहले जब कुश्ती लड़ी थी तो वो काफिर था, अब मुसलमान हो गया, अली ने इसलिए लड़ने से मना कर दिया। मैं कहूँगा फख्र राज़ी, इसका मतलब यह है कि अली जब भी किसी से लड़ते हैं तो वो काफिर होता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि सिर्फ चमन में इस्लाम की धरता।
सिर्फ और सिर्फ हुसैन, सिर्फ और सिर्फ हुसैन की दादीन। यानी ग्रामी करबला के वाकयात पर अगर आप नजर करें तो इसी बुनियाद को हिलाने के लिए करबला की है। क्या फरमाया इमाम हुसैन ने? जब कहा कि मुझे कौन का पता है, तो कहा वो हुसैन ले अभी तुम्हारे बाबा के वो हुसैन। मतलब ये है कि बुनियाद इस्लाम को यानी विलायत को खत्म करने के लिए करबला की बुनियाद। अल्लाह ने गिरामी मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन जनाब गाजी साहब का हुक्म हुआ कि इमाम हुसैन ने सलाम के उत्तर पढ़िए और उनकी शहादत पढ़िए। शायद मुझे थोड़ा सफर कुछ लगा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आपने एहसास कर लिया तो आंसू आपकी जरूरत है, इसलिए कि करबला के मैदान में आपने बड़े शहीदों के मजाए सुने, लेकिन जब कोई शहीद रुखसत होने के लिए आया तो न जाने कितने अस्हाब और अस्हाब बोले खुद मेरा आका हुसैन रुखसत करने के लिए मौजूद। लेकिन जब मेरा हुसैन मैदान की तरफ बढ़ा है तो न लश्कर न सिपाही न कसरत न बे न कादिम न अली अकबर न अब्बास हुसैन करबला के मैदान में अकेले है। ऐ मोमिनों हुसैन से मकसद करीब है, अरे शहरे मदीना दूर है जंगल करीब है, सहरा का जान सुनता है मकसद करीब है, अरे हर हर कदम पे मौत के पैगाम होते हैं, अरे शबीर अपने पांव से मरते हैं तो जाते हैं। आगादारों एक मर्तबा इमाम हुसैन जब अली अकबर की कब्र को बना चुके, एक मर्तबा उठे हसरत से हर जानिब नजर की कोई नासिर न नजर आया, एक मर्तबा खैमे के करीब आए फिरदा को बुलाया, फिरदा फिरदा जाओ मेरा पुराना कुर्ता ले आओ। ऐ फिरदा देखो जब कुर्ता लाना ना तो ज़ैनब को खबर न होने देना। अभी तो आपने मुहर्रम में सुना ना कि जनाबे ज़ैनब को हुसैन से कितनी मोहब्बत थी और हुसैन को ज़ैनब से कितनी मोहब्बत थी। एक मर्तबा फिरदा खैमे में गई, जाने के बाद एक पुराने कुर्ते को निकाला, एक पुराने पैराहन को निकाला, छुपा के चाहती है तो हुसैन तक इस पैराहन को पहुंचा दे। ज़ैनब की नजर पड़ गई, अम्मा फिरदा क्या लिए जाती है? फिरदा ने कोई जवाब न दिया। फिरदा ने पूछा, अम्मा फिरदा आपने क्या छुपाया है, क्या लेके जाती है? एक मर्तबा फिरदा ने जब कोई जवाब न दिया तो ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिरदा आपको मेरी माँ ज़हरा के हाथ का वास्ता, अरे आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या लेके जा रही हैं। फिरदा मजबूर हो गई, एक मर्तबा कहा, शहजादी अरे आका ने इस पैराहन को बनाया है, इस कुर्ते को बनाया। अरे ज़ैनब ने कहा, फिरदा अरे कुर्ता क्यों कहती हो, ये क्यों नहीं कहती कि मेरा भाई हुसैन ने कफन बनाया। दाखिल हुए एक मर्तबा नजर पड़ी होगी, अरे 13 साल के बच्चे होंगे, मोहम्मद याद आए होंगे, उन्हें राजा पर नजर पड़ी होगी, अकबर का चेहरा सामने आया होगा। I'm
Yeah.
पत्थर उठे। उठने के बाद कहने लगी बाबा जाओ, मैंने तुम्हें रोका किया कर दम, मेरी कर दम
निभाने दो मुझे अपनी गर्दन, मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा, अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा, पता नाना से किया वादा नाना से किया है जो निभाने तो मुझे
अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। सुन के नोए को मेरे होएगी दुनिया शोरा, हश्र होगा इसका शिप जो पढ़ेगा शोरा। चलता है हाल जमाने को सुना दे तो मुझे, अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। वादा नाना से किया है दो निभाने दो मुझे, अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। तस्कीन का सामान है कोई भी दुनिया का गम हो भूलना आसान है। कब्र में ये कौन कहता है के मस्करे दे शेर का
सकीना ने ये कहा अम्मू वजीर
की शान खुदा हाफिज उ नासिर ज़ैनब ने कहा चूम के भाई के गले को ज़ैनब ने कहा चूम के भाई के गले को ज़ैनब ने कहा चूम के भाई के गले को सुल्तान खुदा हाफिज उ नासिर ऐसा है बेईमान खुदा हाफिज उ नासिर दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना अरे दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना है आप पे कुर्बान खुदा हाफिज उ नासिर ऐसा है बेईमान खुदा हाफिज उ नासिर ज़ैनब ने कहा भाई मैं जाती हूँ वतन को ज़ैनब ने कहा भाई मैं जाती हूँ वतन को हाय ज़ैनब ने कहा भाई मैं जाती हूँ वतन को ज़ैनब ने कहा भाई मैं जाती हूँ वतन को दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना ओए दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना दामन पकड़ के बाप का कहती थी सकीना है आप पे कुर्बान खुदा हाफिज़ उ नासिर मौला ने कहा गोद में बेशीर को लेकर मौला ने कहा गोद में बेशीर को लेकर आए मौला ने कहा गोद में बेशीर को लेकर मौला ने कहा गोद में बेशीर को लेकर आए अजबर नादान खुदा हाफिज़ उ नासिर बेईमान खुदा हाफिज़ उ नासिर ये कहते हुए अहले हरम से ऊपर ये कहते हुए अहले हरम से ऊपर अल्लाह ने ये खान खुदा हाफिज उ नासिर खुदा हाफिज़ उ नासिर अहे मां के दिलो जान